गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम तमन्ना फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट इन सत्यम पॉलिटेक्निक कॉलेज एट नकोदर। आज आपका सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सेमेस्टर थर्ड। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग लोडिंग, ठीक है, कर्नल शेल और यूनिक्स और लिनक्स में डिफरेंस पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्ट ऑफ पेपर में ज़्यादातर डिफरेंस पूछे जाते हैं लिंकिंग और लोडिंग में, कर्नल शेल में, यूनिक्स और लिनक्स में। सबसे पहले आता है लिंकिंग। मैंने आपको पढ़ाया भी था लिंकिंग लोडिंग, ठीक है। आज हम इसके डिफरेंसेस देखेंगे। कोई भी सोर्स प्रोग्राम ये क्या करता है, लिंकिंग क्या करता है, ये एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल जो भी एग्जीक्यूट होना है, कोई भी सोर्स प्रोग्राम उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करवाने के लिए दे देता है। लोडिंग में क्या है, ये पहले जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट, मतलब जो भी प्रोग्राम रन होने वाला हो उसे मेन मेमोरी से लोड करवा कर उसे एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट। ये अपनी इनपुट ऑब्जेक्ट कोड से इनपुट लेकर असेंबलर से जनरेट करवाएगा। ये इनपुट लेगा, उसका जो ऑब्जेक्ट कोड है वो असेंबलर को दे देगा जनरेट करने के लिए। ये क्या है, जितना भी हम एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल लिंकिंग में एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, वे ये सिर्फ उसे ही हैंडल करेगा। फंक्शन में क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, जितने भी सोर्स कोड में ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए जनरेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लोडिंग में क्या है, जितने भी एग्जीक्यूट होने वाले हैं मेन मेमोरी में उसे एड्रेस एलोकेट करवाएंगे। ये थे लिंकिंग लोडिंग का डिफरेंस। नेक्स्ट है कर्नल और शेल। कर्नल क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा, कंप्यूटर प्रोग्राम में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर, मतलब जैसे ब्रेन होता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कोर को। कंप्यूटर प्रोग्राम इसे एक्ट करेगा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे सबसे ज़्यादा जैसे कर्नल हो, जिससे सारी चीज़ें उसके पास हैंडल होगी। कोई एग्जीक्यूट करवानी है स्टेटमेंट तो कर्नल ही पहले अलाउ करेगा, इसके पास सारा सिस्टम का कंट्रोल होगा। शेल क्या है, शेल जो वर्कर होते हैं, ठीक है, जैसे कर्नल क्या है, जैसे हमने बिजनेस में काम करे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कर्नल होगा, और शेल जैसे हम वर्कर हैं कोई काम कर रहे हैं उनके नीचे, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम में इंटरफेस करेगा और सर्विसेज देगा किसे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करता था, ठीक है, ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्विसेज प्रोवाइड करता था काम करने के लिए, ठीक है। ये जितने भी सिस्टम में कोर ऑफ द सिस्टम, मतलब उसके अंदर जितने भी टास्क होंगे सारा कर्नल हैंडल करेगा, और कर्नल और यूज़र के बीच में इंटरफेस होता है शेल। जैसे शेल ने क्या करना है, यूज़र से डाटा लेकर उसे हैंडल कर सर्विसेज देकर कर्नल को पास करवाना है। कर्नल के पास इतनी टाइप्स नहीं है, शेल में बॉर्ने शेल है, सी शेल है, कॉर्न शेल, बॉर्न शेल, बॉर्ने अगेन शेल, बहुत सी टाइप्स है शेल को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है यूनिक्स और लिनक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस। सबसे पहले लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स है, ठीक है, इसे लिनक्स कम्युनिटी डेवलपर्स ने बनाया है। यूनिक्स को 80 बेल लैब्स एंड इट इज़ नॉट ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, इसकी फ्री है। लिनक्स को हम इजीली अपने पीसी पर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है यूज़ करने के लिए। यूनिक्स का लाइसेंस होना चाहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। कौन कौन सी फाइल सिस्टम लिनक्स को सपोर्ट करेगी,
एक्सटर्नल 2, एक्सटर्नल 3, XT4, XFS, FAT32, ठीक है, यूनिक्स को कौन सी फाइल सिस्टम सपोर्ट कर रही है, HFS+, UFS, XFS, FS, एक्सेट्रा। आगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूनिक्स में कौन सा है, ये KDE एंड जेनोम बहुत से आगे UGI से सपोर्ट करेंगे, ठीक है, यूनिटी मेट। और यूनिक्स में ये क्या है, ये कमांड बेस्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ज़्यादातर UGI नहीं होते। इसमें क्या है, या जो लिनक्स है इसे आप डेस्कटॉप पर स्मार्टफोन के मेन फ्रेम पर आप लिनक्स यूज़ कर सकते हो, और यूनिक्स जो है वो सर्वर और वर्क स्टेशन PC के वहाँ यूज़ होता है। इसमें डिफ़ॉल्ट शेल कौन से होते हैं लिनक्स में, बैश, बॉर्ने अगेन शेल, ठीक है, और इसमें सिर्फ बॉर्ने शेल यूनिक्स में। एग्जांपल कौन सी है, डेबियन ENU आर्क लिनक्स, इसमें है सन ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलारिस, एक्स, अल्ट्रिक्स एक्सेट्रा। ये था लिनक्स और यूनिक्स में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिफरेंसेस करना, ठीक है, इसे देखना एक बार, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है, थैंक यू क्लास।